गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ प्लस वन कॉमर्स। आज आप लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस करन जा रहे हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस। जो आप अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन लाइफ की सेफ्टी लिए इंश्योरेंस करवा लें, वनू कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ये आप इसलिए करवाने ताकि साड़ी फैमिली जड़ी है, इन केस अगर असी वो अर्निंग कर रहे हैं और सानू कुछ हो जाता है तो साड़ी फैमिली नू एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि लमसम अमाउंट उन्होंने परसन की डैथ पर मिलती है, जिदे उन्होंने फाइनैशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये परसन तो वापस नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट फाइनैशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है वो फैमिली। सो लाइफ इंश्योरेंस इज़ टेकन बाय एन इंश्योर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हिज फैमिली। एक तरह न साड़ी सेविंग्स है, अगर असी सर्वाइव करते रहने तो वह पैसा सानू मिल जाएगा सेविंग्स के तौर पर, इन केस सानू कुछ हो जाता तो वह पैसा साड़ी फैमिली मिल जाएगा। हुण आपां इस टॉपिक से स्टडी करना, सब तो पहला इहदा प्रोसीजर, लाइफ इंश्योरेंस करवाने का प्रोसीजर की है। फर्स्ट स्टेप हैगा उहदा प्रपोजल। जिहड़ा परसन इंश्योरेंस करवाना चाहता है वह एजेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी नूं मिल के कहिंदा है कि मैं इंश्योरेंस करवाना चाहना, तो एजेंट वालों ही उन्हूं एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता जिस से उसदे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते और वो क्वेश्चन का जवाब उन्हें सही देना है, और वो ये भी पूछा जाता तुसी प्रीमियम किवें भरोगे। तो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अटमोस्ट गुड फेथ पर किया जाता है। यदा एक प्रिंसीपल है अटमोस्ट गुड फेथ, यदा मतलब तुसी जो भी इनफॉर्मेशन देनी है वो सच होनी चाहिए है। अगर तुसी इंश्योरेंस कंपनी तो कोई भी इनफॉर्मेशन हाइड करते हो जो कि दसनी जरूरी सी, तो अगे चल के इंश्योरेंस कंपनी तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। उस तो बाद जो परसन इंश्योरेंस करवाना चाहता है उन्हू अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी पैंती है उहदे कोलों, जिहदा रेफरेंस इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल इंश्योरेंस। थर्ड स्टेप है अप्रूवल ऑफ प्रपोजल। जे सब कुछ ओके है, असी फॉर्म फिल कर लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन भी साडा हो चुका और सारिया फॉर्मैलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों साडा जो प्रपोजल है कि असी इंश्योरेंस करवानी है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। हुण जो इंश्योरेंस असी करवा ली वो स्टार्टिंग उदों होएगी जो असी पहला प्रीमियम पे कर देने, तो लास्ट स्टेप है इंश्योरेंस करवाने का पेमेंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट है काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इहदियां काइंड्स इंपॉर्टेंट भी है, इंट्रस्टिंग भी है, सो ध्यान नाल सुनना। सब तो पहला है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी जे अगर आप वाली पॉलिसी लें तो सानू लाइफ टाइम प्रीमियम पे करना पैंदा है। जो परसन की डैथ होएगी उसकी फैमिली नू उदो पैसा मिल जाएगा, तो मतलब जब तक बंदा सर्वाइव कर रहा है उन्हें पेमेंट करनी पैनी है। पर इस पॉलिसी से लोगों ने एक प्रॉब्लम आई कि ओल्ड एज जाके कई की इनकम बंद हो जाती है पर फिर भी उन्होंने प्रीमियम भरना पैंदा, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम आने लग गई। तो उस प्रॉब्लम नू ओवरकम करने लई उन्होंने होल लाइफ पॉलिसी विद लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट शुरू करती, जिदे च आपां प्रीमियम फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ही भरना है, बट जो अमाउंट ऑफ द पॉलिसी है वो परसन की फैमिली नू उहदी डैथ तो बाद ही मिलेगी। नेक्स्ट इज़ एंडोमेंट पॉलिसी। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिए हुंदी है, आप कह सकते हैं जिवें 20 साल लिए कोई पॉलिसी करवाई है तो वह प्रीमियम असी 20 साल तक भरना होएगा। जे परसन सर्वाइव करता है तो पॉलिसी उन्हें खुद नू मिल जाएगी 20 साल बाद। इन केस 20 साल के इन बिटवीन उस परसन की डैथ हो जाती है तो उस परसन की डैथ पर पॉलिसी का पैसा उसकी फैमिली नू प्रोवाइड करता जाएगा, तो अगर डैथ हो जाती है तो उस तो बाद प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होंगी। नेक्स्ट है विद और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। अगर आप विद प्रॉफिट पॉलिसी खरीदते हैं तो कंपनी सानू इंश्योरेंस का क्लेम तो दिंदी है, बट अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट्स चल रही है तो अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा भी साढ़े नाल शेयर करती है। और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी से अगर आप वाली पॉलिसी लें तो उस केस से सानू सिर्फ जिन्ने की पॉलिसी है उन्हें उन्ना ही पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनीफिट्स कंपनी वालों प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये दो परसनस या उस तो ज़्यादा मिल के लै सकते हैं, जिमें किसी फर्म के पार्टनर्स ने या फिर हसबेंड वाइफ ने जो एक दूजे नाल कनैक्टेड ने वो मिल के अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उन्होंने कहें जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट इज जनता पॉलिसी। जनता पॉलिसी की मेच्योरिटी एज है 60 ईयरस, तो मतलब इन्हें खत्म उदों ही होना जो असी 60 साल के हो जाएंगे। असी जदों मर्जी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जे असी 35 साल की उम्र तो पहला इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो सानू मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है, अगर असी 35 साल तो बाद ये वाली इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो सानू मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा।
और स्टूडेंट्स मान लो अगर मैं 40 ईयर्स दी एच ए वाली इंश्योरेंस लैनी आ ਤਾਂ 40 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਈਅਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 60 ਈਅਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਈਅਰਸ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਚੋਰਡ ਹੋਏਗੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 60 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ 'ਚ ਹਜੇ 30 ਈਅਰਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ 30 ਈਅਰਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਲੰਬਸਮ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਹਜੇ 10 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚੋਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਵਰ ਇਟ ਅਪ ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ Thank you and have a nice day.